वेलकम टू VNK एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक पुराने सेफल बल्ब के जो ट्यूब रहता है ख़राब हुआ, उससे बनाने वाले एक लाइट जो ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाते हैं आगे वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, पहले चाहिए हमें एक बॉटल, जिसको हम इसको इसकी तरह काट लेंगे। और ये हमारा ट्यूब आ गया है जो हमारा खराब था सेफल बल्ब का। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस डिज़ाइन में बना सकते हैं या आप चार भी लगा सकते हैं। मैं चार लगा के बता रहा हूँ आपको। आप बॉटल में अगर ज़्यादा बड़ा आप लेंगे, जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा आप लगा सकते हैं उसमें ट्यूब। फ्रेंड्स, मैं चार लगाया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ग्लू गन से पहले टाइट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये टाइट हो गया। अब LED इसमें पहले लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन हो गया है। अब एक तार लेंगे जो उसमें लगाने के लिए, जिसकी मदद से हम इसे लटका भी सकते हैं कहीं पर या दीवार पे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस तार को बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको पहले छोटा सा एक छेद कर लेंगे, उसी के बीच से हम लोग ये तार निकाल लेंगे। पहले बांध देंगे, जिसकी मदद से टंगा रहे, अगर किसी जगह टांग रहे हैं तो टंगा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर फ्रेंड्स जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा जो पुराने चीज़ों से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो बने रहिए, इसे लास्ट तक देखिए। बहुत अच्छी वीडियो है जो बहुत आसान है। तो फ्रेंड, देखिए इसको ऐसे लटका देंगे, इसे लगा के तार, इसको ऐसे देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा है, मतलब हर तरफ रोटेट करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको ग्लू से चिपका दिया हम अच्छे से, जिससे कि शॉर्ट ना हो हमारा। और फ्रेंड्स, ये जो है कार्डबोर्ड को काट कर उसी के बराबर, बॉटल के बराबर काट के इसके अंदर चिपका देंगे। फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ही, जिससे कि हमारा देखने में जो लाइट हम बना रहे हैं बहुत अच्छा लगे, खाली खाली ना महसूस हो। ग्लू लगा के चिपका दे रहा हूँ। आप इसे कोई गोंद चिपका लगा के चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, लाइट आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, देखिए कैसा लग रहा है, इसको आप फ्रेंड्स दीवार पे लगा सकते हैं या भगवान के पीछे लगा सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।